हर बहन की इच्छा हो जाएगा भैया जन्म में तो मैं तुम भैया बन गया। राजा बनने की बस है जब बस महाराज तुम तो जाओ, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम मेरी बहन, बहन भाई जब बने दोनों। तब कही ऐसे रामी तो हाथ करो और मैं राखी बांधूंगी तुम्हारे, ताकि तुम्हें हमेशा ध्यान रहे कि मैंने कोई बहन बनाई है। तो राजा बलि ने हाथ कर दिया ले बांधो। तो जब लक्ष्मी ने राखी बांधी है ध्यान रखना आपको दिल कौन सा था। अरे रक्षा बंधन इसी दिन से रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हुआ। अब जब भेण भैया बन गए, राखी बन गई, तो नारद जी ने सारो करो जब फिर भूल करने जा रही हो कि तो अब जी तो फैदा को रक्षाबंधन के बदले में दक्षिणा का देगा भैया। ए भैया कजू तो नहीं, राजा बलि की बहन आज मैंने संसार को दिखाने के लिए अपनी धर्म की बहन बनाया है, तेरी इच्छा हो सो मार जो तेरी इच्छा हो। अब बड़ी बच्चा नहीं पाई कोई तो मांग रही है बहन के रूप को जब मांगा सो बलि ने कही मैया अब जी बता दो या धोती है ना, अब तुम हो कौन, क्यों मांगा तुमने। सो लक्ष्मी मैया अपने भेष में आ गई, उस दिन से भाई बहन बने। ध्यान रखना राजा परीक्षक ने पूछा है एक आज बहुत सुंदर बात बताऊंगा, केवल 5 मिनट का समय दे देना सब, कल लिखा 15 मिनट कम दे दिए ठीक है। राजा परीक्षक ने पूछा कि महाराज एक बात समझ में नहीं आई, ऐसा कौन सा कर्म था राजा बलि का जो भगवान विष्णु और मैया लक्ष्मी दोनों ही आकर के भीख मांगने गए। राजा बलि भाई और राक्षस परिवार में जन्मा था। सुनिए राजा परीक्षक, यह राजा बलि पिछले जन्म में निंदिक नाम का ब्राह्मण था। सुनो, निंदिक नाम का ब्राह्मण और वैश्याओं के पास जाता था। तो एक दिन जब निंदिक ब्राह्मण फूलों का हार बनाकर और वैश्या के घर को भाग रहा था, तो रास्ता में ऐसी ठोकर लगी निंदिक ब्राह्मण को, तब हालत क्या हुई। सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे चलो जब ब्राह्मण को लगी छूट गई फूलन की माला।
शिवजी के मंदिर में गई। अब जब वे निंदक ब्राह्मण खत्म हुए और धर्मराज के यहां कागज देखे गए, तब कई धर्मराज ने कहा, जाकर जी देखो बढ़िया कर्म कितने हो, घटिया कर्म कितने। जाकर किताब पंटी तो एक पेज पर नेक दो लाइन लिख रही थी, सब मामलों खाली। महाराज इनके जीवन में केवल एक ही कर्म बढ़िया बन गया है कि एक दिन फूलन की माला शिवजी के मंदिर में चढ़ गई है और सब जीवन इन्होंने काम अधर्म के करे। धर्मराज ने की निंदित, कहो महाराज जी बताओ बढ़िया कर्म बनेगो ताको फल पहले ले हुए, क्या जो जीवन भर घटिया कर्म करे ताको पहले ले हुए। निंदक ब्राह्मण ने सोची कि घटिया को तो भोगन हुई है, तद बढ़िया ही कौन पहले ले लू। ए महाराज जी बताओ बढ़िया कर्म को फल मोह मिला कितनी देर। धर्मराज ने कही एक घड़ी, केवल एक घड़ी जो तू मानसो जो शिवजी के मंदिर में माला चढ़ाई पाते। तो ध्यान रखना वह निंदक ब्राह्मण ने चतुराई कितनी करी है कि टामी बच्चो कहे एक ही घड़ी, और एक घड़ी के लिए आज धर्मराज से मांगा क्या था उस निंदक ने। सुनो सभा धरी ध्यान, अरे चोर जन डारी लहो मन पे। तू दरिया में बचन दे दो, एक घड़ी की बात है तो एक घड़ी 22 मिनट की होती है, 22 मिनट की। तो भैया नेक दे तू दरिया नेक दे चाय बैठ जाता है। क्या कर रहे हो तुम बता, 100-100 या कि पूरे कच्चा बिने तो इंद्रासन ना मिल तू, और जा पापी है भैया मालूम हो गए आई है जिमा में हो, पर नेक दे दरिया। जो देवराज इंद्र उतरे और निंदक ब्राह्मण इंद्रासन पर बैठे तो कर्म कौन सा किया। अरे भाओ है मन लपने राजी, जन हुकम दा फरमाई के चल सवरे बाबा जी। अरे फरमाई के सवरे बाबा जी, संपत्ति को लुटाता रहा।
और एक धरी खत्म, जो एक धरी खत्म भाई शिकारो बांटो। अरे कलम और जाकर दरबार में नजर करी तो साफ खाली, जो निंदक ने चार कदम धरे तो इंद्र ने कही अरे ए इधर इधर इधर, ये दरबार की सब संपत्ति कहां है? निंदक ने कही कर्मी तो बात मत करिए, ये धरी को तो मालिक हो, जो मन में आई है सो करो। और लगना पे महात्मा कैसे थे, सब इंद्र की संपत्ति लौटा गए और तब निंदित ब्राह्मण से बोले हाँ तब जिसके सामने वह भगवान विष्णु मैया लक्ष्मी दोनों इंद्रकारी बन गए। श्रोता बंधु, कल सूर्य वंश की कथा रहेगी, गंगा जी का अवतरण होगा, भगवान राम और